नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के इस नए सेशन में, जहां हमने जावा की कुछ ट्यूटोरियल्स देखे थे। आइए आज देखते हैं कि जावा में अगर आपको एक कोडिंग करनी हो, एक प्रोग्राम क्रिएट करना हो, तो उस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी चाहिए, किस तरीके से आप जावा के एक बेसिक प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं जावा। आप मान लीजिए आपने एक सिंपल सा फर्स्ट प्रोग्राम जो हम हमेशा क्रिएट करते हैं, चाहे सी में हो चाहे सी प्लस प्लस में, हेलो वर्ल्ड, आई एम इन जावा, आई एम इन सी। चलिए इसी तरीके से एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, क्लास ले लिया हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले बिगनिंग जो हमने की वो क्लास से की, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो बिगनिंग की वो क्लास से की, जो आपने क्लास नेम डिफाइन किया उसका पहला लेटर आपने कैपिटल लिखा हुआ है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो लिखा, इसमें स्ट्रिंग ए आर जी एस ब्रेकेट के अंदर है और स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल है। प्रिंट कराने के लिए आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड। और जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा, इसमें सिस्टम का जो एस लिखा वो आपने बड़ा लिखा। जो आप सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं वहाँ पर आप मेन यूज़ करते हैं, तो मेन की जगह पे हमने यहाँ लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसका एस कैपिटल है, क्लास नेम का पहला लेटर कैपिटल है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो हमने प्रिंट कराने के लिए लिया उसमें एस कैपिटल है। आइए कुछ चीज़ें और समझते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि जावा एक केस सेंसिटिव है। क्लास जो आप डिफाइन करते हैं या आप जो मेन लिखते हैं, जो आप स्ट्रिंग दे रहे हैं या जो भी आपने वर्ड देखे हैं, वो सारे रेड में हैं। रेड में है मीन्स ये कंपलसरी है कि ये सारी चीज़ें कैपिटल में होना चाहिए। और जो आपका क्लास है, क्लास को येलो इसमें से येलो कलर में बताया गया है। इसका ये मतलब है कि यू कैन राइट क्लास नेम स्मॉल ऑल्सो। क्लास का जो नाम है वो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कैपिटल में लिखें। और जो आपने स्ट्रिंग का एस है वो कैपिटल में होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का जो एस है वो कैपिटल में होना चाहिए। पब्लिक का भी स्मॉल चलेगा, स्टैटिक का एस स्मॉल, वॉइड का स्मॉल, मेन का एम हमेशा स्मॉल, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्लास के बारे में। जो आपने अभी हमने देखा था कि हमने जो प्रोग्राम शुरू किया वो क्लास से शुरू किया, जबकि जब हम सी या सी प्लस प्लस जब हम सी की बात करते हैं तो हम प्रोग्राम को मेन से शुरू करते हैं। और सी प्लस प्लस में हम जब प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात करते हैं हम जावा की, तो जावा में हम जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम वो क्लास से शुरू करते हैं। Every line of code which we have to run need to be inside a class. आप प्रोग्राम की एक सिंगल लाइन भी क्लास के बाहर नहीं लिख सकते। आपको जो भी कोडिंग करनी है प्रोग्राम की, वो क्लास के अंदर ही करनी पड़ेगी। You can have many classes you want in a Java program. आप जितनी चाहे उतनी क्लासेस एक जावा प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं। There must be no space between the class name. आपने जो यहाँ पे क्लास नेम दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, आप ये देख सकते हैं। क्लास नेम कैन हैव द नंबर बट नॉट इन स्टार्टिंग। आप जो क्लास का नाम आपने डिफाइन किया है इसमें कोई नंबर हो सकता है पर वो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। मीन्स आप हेलो वर्ल्ड वन, हेलो वर्ल्ड टू या हेलो वन वर्ल्ड ऐसा लिख सकते हैं, पर वन हेलो वर्ल्ड ऐसा नहीं लिख सकते। यू कैन राइट क्लास नेम इन स्मॉल ऑल्सो। क्लास का जो नेम है वो आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो आपने समझा, इसको अगर आपको एक पूरा सार निकालना होगा या समरी समझना होगा तो कुछ इस तरीके से समझिए कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और एक ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज होने की वजह से जावा में हर स्टेटमेंट जो भी आप लिखेंगे वो क्लास की बॉडी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये रूल होता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट क्लास की बॉडी के बाहर नहीं लिख सकते। जावा
की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। आपको ध्यान होगा C++ में भी आपने इनकैप्सुलेशन पढ़ा है, जावा में भी। अभी आप सीख रहे हैं, अगर कुछ पहले से पढ़ेंगे जावा तो जानते होंगे इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है, तो उसी को फॉलो करते हैं। और इसीलिए जावा में कोई भी स्टेटमेंट क्लास के बाहर नहीं लिखा जाता, जो भी आपको लिखना है क्लास के अंदर ही लिखना है। पहले आपको क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सारा का सारा प्रोग्राम। एक सिंगल कोडिंग भी आप क्लास के पहले नहीं लिख सकते, जो भी लिखना है वो क्लास के बाद में लिखना है, ठीक है। क्लास डिफाइन हो गया, आपको पहली लाइन का क्लास समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। तो सबसे पहले हम मेन को समझ लेते हैं, एक्चुअली मेन क्या है, उसके बाद हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग args सारा सब कुछ समझेंगे। पहले मेन पर चलते हैं कि जो हमने ये मेन यहाँ पे यूज़ किया है। आप नॉर्मल जब प्रोग्राम बनाते हैं सी में तो उसको मेन से स्टार्ट करते हैं, पर यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और उसमें जो भी आएगा सब क्लास के बाद आएगा, क्लास के पहले कुछ नहीं आएगा, क्लास के बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मेन मेथड को समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मेन सिंपल मेन नहीं लिखा है, मेन मेथड लिखा है। जावा में सब कुछ मेथड मेथड होता है, आपने मेन मेथड देखा, ये मेथड क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। मेथड होता है एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। अगर सी और सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में कहूँ तो फंक्शन। आपने देखा है कि जब भी आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके आगे आप ब्रेकेट यूज़ करते हैं, कोष्टक यूज़ करते हैं। तो जावा में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सिंगल आर्गुमेंट भी, कोई सिंगल स्टेटमेंट भी आप क्लास के बाहर नहीं लिख सकते। इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट को जावा में, इस तरीके के वर्ड्स को जावा में फंक्शन ना कहकर मेथड करके यूज़ किया जाता है। तो मेथड जो आप सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन कहते हैं, वही जावा में आके मेथड हो जाता है। एक चीज़ और समझनी है कि देयर इज़ ओनली वन मेन इन जावा प्रोग्राम। क्लास आप कितनी भी डिफाइन कर सकते हैं, आपने पहले देखा, पर अगर आपको मेन मेन यूज़ करना है तो जावा में एक ही मेन मेन मेथड यूज़ होगी। आप जावा में दूसरी मेन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, मेन मेथड डिफाइंस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम। अभी हम इसे अच्छे से समझेंगे। मेन मेथड डिफाइंस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम दैट इज फ्रॉम वेयर द कंपाइलर स्टार्ट कंपाइलिंग, ठीक है। अब इसे अगर समझना हो तो हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जावा में जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं आप, तो वह हमेशा मेन मेथड से ही शुरू होता है, ठीक है। अगर आप मेन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम वो कंपाइल तो होगा पर रन नहीं होगा, ठीक है। मेन एक्चुअली आप यहाँ देख सकते हैं, मेन आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके कोडिंग का, आपके जावा के प्रोग्राम का। मीन्स कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करना ही यहाँ से शुरू करता है, मेन से, ठीक है। तो मेन आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जावा में जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमेशा मेन मेथड से शुरू होता है, और अगर आप मेन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा पर रन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे मेन यूज़ करते हैं, पर मेन के साथ आपने मेन को आपने अकेला यूज़ नहीं किया, मेन के साथ तीन और आपके पहले लगे हुए पब्लिक, स्टेटिक और वॉइड। जबकि आप सी में जब यूज़ करते हैं तो या तो आप वाइड बस यूज़ करते हैं या सिंगल मेन यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये भी क्या है, इनके बारे में भी समझते हैं, इनके बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं पब्लिक के बारे में। पब्लिक जो आपने यूज़ किया है, पब्लिक, तो पब्लिक का सीधा सीधा मीनिंग होता है एनी वन कैन एक्सेस। जब भी हम कुछ पब्लिक कर देते हैं मीन्स सभी देख सकते हैं, प्राइवेट होता है तो वो छुपा हुआ है। पब्लिक मीन्स एनी वन कैन एक्सेस। तो आपको ये पब्लिक जो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में पहले ये बता दूं, उसको एक्सप्लेन करने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जावा में JVM या जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा अभी।
पहले ये जान लीजिए कि JVM स्टैंड फॉर द जावा वर्चुअल मशीन, इट इज़ द कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है, कोई हार्डवेयर नहीं है आपका, है ना। इट इज़ द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द बाइट कोड। बाइट कोड का क्या मतलब होता है? बाइट कोड मतलब होता है, जैसे आप सी सी में अगर आपने प्रोग्रामिंग किया होगा तो आप प्रोग्राम को कंपाइल करने आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसके बाद जो आपको मशीन कोड मिलता है उसी को जावा में कहते हैं बाइट कोड। मतलब आप आपका प्रोग्राम आपका आपका आप जब सी वगैरह यूज़ करते हैं तो आप जब प्रोग्राम बना लेते हो तो आपका कंपाइलर क्या करता है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसको मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में चेंज कर देता है, तो आप उसे मशीन कोड कहते हैं। वैसे ही जावा में जावा सी यानी जावा का कंपाइलर आप जो जावा में प्रोग्राम बनाते हैं उन्हें जब चेंज करता है तो उसको मशीन कोड ना बोलकर बाइट कोड बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका JVM है, आज आपका जावा वर्चुअल मशीन है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द बाइट कोड। मीन्स प्री कंपाइल्ड प्रोग्राम को जिसका बाइट कोड जनरेट हो गया होगा उसको एग्जीक्यूट करने का काम JVM करता है। कौन करता है? JVM करता है। अब हम बात कर रहे थे पब्लिक की, अब आइए पब्लिक समझाता हूँ कि मैंने आपको ये JVM क्यों समझाया। आपने अभी तक जाना कि जावा में आप अपना सारा प्रोग्राम क्लास बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, आप क्लास के बाहर कोई भी आउटसाइड द क्लास आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और जब आप उसके आगे कीवर्ड यूज़ करेंगे पब्लिक, है ना, ठीक है, जब आप उसके आगे पब्लिक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आप जानते हैं कि जावा में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब आप जानते हैं कि जावा में एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, इट मीन्स फ्रॉम वेयर द कंपाइलर स्टार्ट कंपाइलिंग, ठीक है। जावा में आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, और मेन वो जगह जहाँ से आपका कंपाइलर कंपाइल करने का काम करता है, पर वो सिर्फ कंपाइल कर सकता है, उसको रन करने का काम कौन करता है? JVM करता है। आपके कंपाइल किए गए प्रोग्राम को रन करने का काम कौन करता है? JVM करता है। और JVM उसको तभी एक्सेस कर सकता है आपके कंपाइल किए हुए प्रोग्राम को, क्योंकि वो मेन के अंदर डिफाइन नहीं है, तो वो उसको तभी एक्सेस कर सकता है जब आप उसके आगे पब्लिक लगाओगे, क्योंकि आपने पहले से ही जाना है कि जावा में आप अपना सारा प्रोग्राम क्लास बॉडी के अंदर लिखें और क्लास के अंदर कोई भी चीज़ आउटसाइड द क्लास तभी यूज़ हो पाएगी जब आप उसके आगे कीवर्ड यूज़ करोगे पब्लिक, और इसीलिए आप पब्लिक यूज़ करते हैं। मतलब मान लो अगर आप JVM मेन को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तब तक मेन के आगे जब एक्सेस ही नहीं कर पाएगा तो आपके आपका जो प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। मीन्स JVM को मेन को एक्सेस करने के लिए या आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको मेन के आगे पब्लिक कीवर्ड जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा, उसके बगैर JVM आपके कंप्यूटर को आप कंपाइल तो कर सकते हैं, बाइट कोड में चेंज कर सकते हैं, पर उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए JVM तभी उसे एग्जीक्यूट कर सकता है जब आप अपने मेन के आगे आप पब्लिक यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं स्टैटिक मेथड को। स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन क्या दी हुई है? मेथड कैन बी रन विथआउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंट ऑफ द क्लास कंटेनिंग द मेन मेथड, ठीक है। अब स्टैटिक को समझते हैं। आप जानते हैं कि जावा एक, फिर से वही बात आती कि ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं आप उन्हें दो तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। क्लास के अंदर जो भी मेथड होते हैं ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक और दूसरा होता है आपका नॉन स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक मेथड वो होती हैं जिनमें कॉल के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जिनमें नॉन स्टैटिक मेथड जिनमें कॉल के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और स्टैटिक
स्टैटिक ऑब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, नॉन स्टैटिक मेथड जिनमें कॉल के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, और स्टैटिक मेथड वो होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाती है। और यहाँ पर अभी हमने JVM के बारे में देखा था, हमने JVM के बारे में देखा कि JVM मेन के मेन को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉल करता है। तो इसलिए हम इसके आगे स्टैटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। JVM मेन को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहता। ये सारी चीज़ें हम बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये सारी चीज़ें, पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि JVM मेन को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता, इसलिए हमें मेन को स्टेटिक बनाना पड़ता है। अगर हम मेन को स्टेटिक नहीं बनाएंगे, उसके आगे स्टेटिक नहीं लगाएंगे, तो हमें मेन के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर JVM आपके मेन को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो आप स्टेटिक नहीं लगाएंगे, अगर मान लीजिए अगर आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं और वहाँ पर आपने यहाँ जो पब्लिक स्टेटिक यूज़ किया, आप स्टेटिक यूज़ ना करें, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा पर रन नहीं होगा, आपको एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा? क्योंकि स्टेटिक अगर आप नहीं लगाएंगे तो JVM उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो मशीन जो आपके कंप्यूटर जो आपके कोडिंग को रन करने के काम में आती है, प्री कंपाइल्ड, मतलब जो कंपाइल्ड हो चुके हैं आपके बाइट कोड को रन करने के काम में आती, जब वो उसे मेन को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा तो आपके प्रोग्राम को रन कैसे करेगा, ठीक है। चलिए, अब आपने देख लिया पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि जो आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आप इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे को, मींस आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, ये भी एक्सेप्टेबल है। आप ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखें, आप इसे लिख सकते हैं स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, ये भी एक्सेप्टेबल है। और जहाँ तक हम बात करते हैं वॉइड की, जो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज़ किया, वॉइड की जो बात करते हैं, वॉइड का माफ कीजिएगा, वॉइड का सीधा सीधा मतलब होता है नल। नल वैल्यू मीन्स मेथड डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो JVM है वो मेन से कोई वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो चाहता ही नहीं कि मेन उसे कोई वैल्यू दे, वो खुद ऑटोमेटिकली रन करता है। इसलिए कहते हैं कि void, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि void इज़ अ कीवर्ड, void सिर्फ एक कीवर्ड है, इसलिए आप उसे यूज़ करते हैं, रिटर्न नथिंग इफ यूज इन द मेन मेथड, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको आगे क्लियर होती चली गई, अभी अगर कोई डाउट भी है तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, वो आपको आगे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास बचा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो आप हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आगे क्लियर हो जाएगी। सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, आउट एक ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एलन आप देख सकते हैं जब भी आप कोई प्रिंट एफ लिखते हैं सी में, या गेट सी एच लिखते हैं, या मेन डिफाइन करते हैं, तो आप उसके आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसी ब्रैकेट को आप सी में फंक्शन कहते हैं, है ना, और आप जावा में इन्हें मेथड कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंट एलन एक मेथड हो गया, ठीक है। आपका आउट जो है ऑब्जेक्ट है, एक रेफरेंस है, सिस्टम जो है एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, और प्रिंट एलन एक मेथड है, ठीक है। और ये जो ये तीनों के तीनों मिलकर एक्चुअली सिंपल वही रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके सी में प्रिंट एफ रिप्रेजेंट करता है, मीन्स सिर्फ प्रिंट करने के लिए आप लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझिए कि आपका सिस्टम है जो प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, आउट जो है जो ऑब्जेक्ट है रेफरेंस है, प्रिंट एलन जो एक मेथड है या फिर सी के लैंग्वेज में का एक फंक्शन है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपका वही काम करती हैं जो आपका प्रिंट एफ करता है सी में। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा कि इन प्रिंट एलन ये एल है आई नहीं,
और एल स्टैंड फॉर प्रिंट लाइन। एल किस लिए स्टैंड फॉर, एल क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंट लाइन, मीन्स प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप टू सेकेंड। तो ये था आपका पूरा का पूरा जावा का, एक आप क्यों यूज़ करते हैं, किन किन मेथड्स का आप क्यों यूज़ करते हैं, जावा का सिंपल प्रोग्राम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपका एक जावा आईडी डाउनलोड किया हुआ है, उसे डाउनलोड करने का एक वे बताया, एक पाथ बताया हुआ है कि उसे किस तरीके से डाउनलोड, जावा आईडी एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और हम ये भी सीखेंगे कि बगैर आईडी के प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। पर पहले हमने जावा आईडी डाउनलोड का एक प्रोग्राम बनाया, आप अभी सिर्फ उस प्रोग्राम को देखकर जावा का वो आईडी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे समझ लीजिएगा, डाउनलोड कैसे करना है अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करके रखिएगा, बाकी उसका यूज़ क्या है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसका काम क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे उसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तो तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी विथ भुलेंदर कर।